Hello guys, welcome back to Jump to Beauty by Abha Arora. And today what we are going to make, you know, some more beauty out of junk. So here you can see I have one cardboard with me. Ek cardboard hai mere paas. Aur isse aaj hum log banane wale hain ek wall hanging. Theek hai, uske liye mujhe kya chahiye? Ek maine yahan par nikala hai. Ye hai mere paas ek maine बर्ड का कटआउट लिया है और उसको मैंने इस पर ट्रेस कर लिया है. तो टू बर्ड्स एंड दो मैंने उसके फेदर, दोनों के लिए एक एक फेदर का मैंने कटआउट इसके ऊपर ले लिया है. अब मैं इसको कट करती हूँ. ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगने वाला है. आप इसको बंधनवार की तरह यूज कर सकते हैं. आप इसको दिवाली के टाइम पर आप यूज कर सकते हैं. सो लेट मी कट इट. अच्छे से कटिंग करिएगा क्योंकि यही हमारा फाइनल शेप डिसाइड करेगा. और अगर जब तक आपने अगर आपको क्ले पता है, मैंने बहुत सारी क्लेज बताई हैं, तो इसमें मैं ट्रेडिशनल वाली क्ले यूज करने वाली हूँ, ट्रेडिशनल पेपर मैशी क्ले. सो अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, दैट इज जंप टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा. एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन माई फेसबुक पेज, दैट इज जंप टू ब्यूटी. And guys, please do likes and subscribe. It really motivates me a lot. और इस तरीके से हमारी बर्ड का बेस हमारा कट गया. Okay, तो अभी यहाँ पर ये सब कट हो गया है. इन एक्स्ट्रास को मैं हटा देती हूँ. हम लोगों को यहाँ पर चाहिए बस ये दो कटआउट्स बर्ड के और दो फेदर. और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी ट्रेडिशनल क्ले नहीं देखी है, हाउ टू मेक ट्रेडिशनल पेपर मैशी, तो आप प्लीज आप जाकर देख लीजिएगा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज जंप टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा. अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरी क्ले है और इस क्ले को हमेशा एयर टाइट में ही रखना होता है. और साथ में अब मैं लूंगी यहाँ. अच्छा, उससे पहले क्योंकि हमें इसके अंदर होल करना है तो हम इसके अंदर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हम होल बना लेते हैं. okay? इस तरीके से, सो दैट हम इसको हैंग कर पाए. ठीक है, ये इस तरीके से हो गया. ये मैंने कंपास से लिया था और एक सेम हम लेंगे उसी के नीचे. ठीक है, दिस वे. तो दो होल्स यहां हो गए और उसी तरीके से मैं इसके ऊपर रखती हूं ताकि हमारा सेम लाइन में आएगा. और इधर, और बस एक इंप्रेशन ले लेंगे, बाद में उसको कर देंगे दिस वे. इस तरीके से हमारे होल्स हो गए इसके अंदर. अब क्या करेंगे, मैं इनको इस तरीके से, एक को मैं इस तरीके से बनाऊंगी, एक को मैं राइट फेसिंग, एक को मैं लेफ्ट फेसिंग बनाऊंगी. ठीक है, अब क्या करूंगी, फेविकॉल लिया और उसके ऊपर फेविकॉल लगाया. ठीक है, फेविकॉल लेकर हमने, सो दैट जो हमारी क्ले है वो इसके ऊपर स्टिक कर जाएगी. और अब मैंने क्ले ली और आप ये क्ले देख सकते हो, ये क्ले मेरे को बनाए हुए कम से कम 1 मंथ हो चुका है. ये वही क्ले है जो मैंने आप लोगों के सामने मैंने बनाई थी, ये अभी तक वही चल रही है. क्या, और मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर स्प्रेड करते जाना है इस तरीके से. इस क्ले के, ये क्ले मैंने बनाई थी चॉक पाउडर और एग कार्टन. आप एग कार्टन की जगह, अगर आपके यहाँ पर एग कार्टन का नहीं यूज कर सकते, तो क्योंकि एक मेरे पास व्यूअर का मैसेज आया था
कि हम क्या करें, क्योंकि हम तो एक कार्टन, हमारे घर में बिल्कुल भी एग्स से रिलेटेड कोई भी चीज यूज नहीं होती है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस जगह पर आप ओवरनाइट आप न्यूज़पेपर सोक कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में यूज करिए, आपको ब्लेंड करिए, वो पेपर पल्प मिल जाएगा आपको, और उस पेपर पल्प से आप पेपर माशी क्ले बना सकते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें अभी तक कुछ नहीं कर रही हूं मैं, आराम से बस इसको लगाती जा रही हूं मैं, है ना। इस तरीके से थोड़ी सी ड्राई हो गई है ये वाली, इस तरीके से किया मैंने। और अब एक पानी का हाथ लेकर उसको मैं ब्लेंड करूंगी, अच्छे से स्मूथ करना है। ठीक है, इस तरीके से। और जो एजेस हैं उनको जरूर कवर करना है क्ले एंड फेविकॉल से। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल ले रही हूँ एजेस पर, और इस तरीके से मैं क्ले जो है, जो क्योंकि जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड भी दो लेयर्स का बना होता है, अगर उसको मैंने ऐसे नहीं किया तो वो खुल जाएगा, तो इसको मुझे अच्छे से इस तरीके से कवर करना है। और थोड़ा सा पानी लेंगे और एजेस को स्मूथ भी करते जाएंगे, और जो नीचे हमारा कार्डबोर्ड है उसको भी हम कवर करते जाएंगे। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, जो यहाँ पे ये जो ओपन एरिया है इसको मुझे फिल करना है, अगर इसको मैंने फिल नहीं किया तो ये खुल जाएगा और ये बाद में तंग करेगा। दिस वे, इस स्टेप पे आराम से आप धीरे धीरे अपना टाइम लीजिए और इसको स्मूथ करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। दिस वे, ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन, और ये अच्छा सा स्मूथ बन गया है ना, इस तरीके से बन गया, मैंने इसे स्मूथ भी कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, पहले जो वो था होल जो मैंने बनाया था, अच्छा अभी भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं थोड़ी सी क्ले और लेकर मैं इसको फिल करूंगी, अदरवाइज मैंने आपको बताया ना ये बाद में तंग करेगा, इस तरीके से बस अच्छे से इंश्योर करना है कि ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है। ओके, नाउ इट इज नाइसली डन। एक और हाथ लिया, अच्छा, और बहुत ज्यादा पॉइंटेड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्ले अदरवाइज टूट जाएगी। वो यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, इसको नहीं किया तो ये भी हमें बाद में तंग करेगा, तो इसको भी हम कवर कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट देयर। इस तरीके से, और थोड़ा सा पानी लिया और अगेन इसको स्मूथ कर दिया। ये फिनिशिंग देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो काम को बहुत अच्छा देता है लुक, अगर हम फिनिशिंग पर पूरा ध्यान देते हैं तो। ठीक है, सो नाउ इट इज डन। अब हम क्या करेंगे, वही कंपास लिया और जिससे हमने होल किया था, और अब मैं इधर भी क्ले में भी होल कर दूंगी, क्ले में होल कर दिया, सो दैट अब आराम से मैं जब मेरे को थ्रेड डालना होगा, इसको हैंग करना होगा, तो मैं इसे आराम से कर पाऊंगी। और अब हम देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर। टेक्सचर के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर
आईज हमें किसी भी चीज से ऐसे इम्प्रेशन बना लिया, ठीक है। अरे और फिर इसी से हमने वीक बना ली यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ डिजाइन दे देते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से। अच्छा, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, तो देखो आप इसको इस तरीके से आप ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी गीली थी। इस तरीके से मेरे को कुछ और बनाने का मन है, तो पहले तो यहाँ पर कुछ करते हैं। इसके लिए कैसे बनाती लाइंस, कर दिया। और यहाँ क्या करें, यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिजाइन बना देते हैं कुछ ऐसे। और अगर नहीं भी करना है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, और हम यहाँ पे जब हम पेंट करेंगे तब हम यहाँ पर डिजाइन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने किया है, ठीक है। बस इस तरीके से, अब सेम तरीके से मेरे को इसके ऊपर भी, अब फेदर के ऊपर भी मैं क्ले लगाऊंगी। क्ले लगाने से पहले फेविकॉल लगाया, और फिर हम निकालेंगे अपनी क्ले। क्ले ली और क्ले को इसके ऊपर लगाएंगे। ये क्ले इतनी अच्छी क्ले है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि बहुत मजा आ रहा है। मैंने बहुत सारी क्लेज के साथ काम किया है, और ये वाली क्ले आजकल मेरी फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि ये इतनी स्मूथ है और बाद में स्टर्डी भी बहुत ज्यादा है, कि आपका जो मटेरियल, जो आप आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो खराब भी नहीं होगा, वो टूटेगा भी नहीं। इससे मैंने बहुत सारे मोबाइल होल्डर बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं वो कि मैंने किस तरीके से मोबाइल होल्डर्स बनाए हैं, देन यू कैन चेक इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। दैट इज नॉट ऑन माई, आई थिंक आई हैव नॉट पोस्टेड इट ऑन माई पेज, वो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका इस तरीके से फेदर भी रेडी हो गया है। एक फेदर हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, तो इसको हम अच्छे से, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको जो जहां पर ये दो मिल रहे हैं, जो कार्डबोर्ड के टू लेयर्स होती हैं, उनको कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हमने कर दिया, और मैं आपको इस क्ले की स्टर्डीनेस का बता रही हूँ। ये इतनी स्टर्डी है कि जो मैंने मोबाइल होल्डर्स बनाए हैं वो एक बार गिर भी चुका है और वो टूटा नहीं है। एंड आई एम नॉट एग्जाजरेटिंग, सीरियसली बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है। अब ये जो मेरा बन गया है, इसको इसके ऊपर मैं या तो मैं ऐसे लाइंस बना सकती हूँ, मैंने इस तरीके से लाइंस बना दी और ये मेरा फेदर बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ लगाऊंगी। सिमिलरली मैं इन दोनों के ऊपर भी काम करती हूँ, एंड आई गेट बैक टू यू। ओके, तो अभी मैंने क्या क्या किया है, मैंने यहाँ पर मेरी दो बर्ड्स और दो फेदर रेडी हो चुके हैं मेरे। अब इनको हमको छोड़ना पड़ेगा अराउंड 3 to 4 hours फॉर ड्राइंग। अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम थोड़े से बीड्स बनाएंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें बीड्स भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्ले चाहिए। बहुत बड़े बड़े बीड्स नहीं लेंगे हम, हमको चाहिए छोटे छोटे बीड्स,
क्योंकि हम इनमें यहाँ पर नीचे हैंग करने के काम आएंगे हमारे। तो वही क्ले ले रहे हैं हम, ठीक है, इसको मेरे से गोल कभी नहीं होती है, हमेशा मेरे से इस तरीके का बन जाता है पॉइंटेड। ओके, तो इस तरीके से लिया। देन टेक एनी टूथपिक और अ स्क्यूअर, मेरे पास ये बैम्बू स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरीके से लिया मैंने और यू रोल कर दिया। ओके, यू लिया और रोल कर दिया और ये मेरा एक सुंदर सा बीट भी रेडी हो गया। अब आपको बीट भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी का बना दिया हमने। क्यों बनाया, एक और बनाते हैं। अगेन सर्कल, नॉट अ सर्कल, अ स्फेयर, गोला बनाया, गोल बॉल बनाई, फिर स्क्वायर लिया और उसको ऐसे कर दिया। इसको मैंने सिर्फ शेप देने के लिए थोड़ा सा किया, सो दैट अंदर भी थोड़ी अच्छे से शेप बन जाए। और अगर मुझे मोटा धागा लेना है तो मोटे धागे के लिए भी जगह बन जाए। दिस इज डन, ये मेरे पास इस तरीके से, आप देखो ये ऐसे दो लग जाएंगे। कुछ और भी डिजाइन का बना सकते हैं, लेट्स ट्राई कि क्या हम कुछ और भी बना सकते हैं, कोई और तरीके का अगर हमको बनाना है। मे बी लेट्स से, क्योंकि जब हम खुद बना रहे हैं तो हम अपनी मर्जी के भी बीड्स बना सकते हैं, हमको अवेलेबिलिटी पर हमको नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। अगेन मैंने दो सेम साइज की बॉल्स लूंगी। अब मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपको इक्वल बनाने हैं तब क्या करें हम, ठीक है। दिस वे, और अब मैं बना रही हूं थोड़ा ड्रम शेप, और इसको मैं थोड़ा पानी लेके इसको स्मूथ करूंगी। तो मैंने बनाया सिलेंड्रिकल, देन थोड़ा सा पानी के अंदर ही डिप कर रही हूँ मैं स्क्यूअर को, सो दैट वो चिपके नहीं अब इसके साथ। और मैंने ये सिलेंड्रिकल बना दिया, सिलेंड्रिकल बना दिया। और अगर इसके साथ मैं इसके अंदर कोई डिजाइन देना चाहती हूँ तो वो भी देख सकते हैं कि क्या हम इसमें डिजाइन दे सकते हैं। लेट्स सी, ये लिया मैंने एक कटर और ऐसे एक लाइन बना दी, एक लाइन नीचे भी बना दी, ठीक है। और अब इसके अंदर वी वी डिजाइन, इट्स लुकिंग गुड, हमारा अपना पर्सनलाइज्ड बीड बन गया दिस वे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे, आई होप इट इज विजिबल दिस वे, और ये हमारा एक बीड बन गया है। इसको भी हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं, एक बीड और बनाते हैं। अगर आपको ये स्मूथ नहीं लग रही है तो थोड़ा सा पानी लेंगे हम और इस तरीके से करेंगे तो हमारे को स्मूथ क्ले मिलेगी हमको। अगेन मैं पानी के अंदर स्क्यूअर डालकर आई मेक अ होल इस तरीके से, और अब क्योंकि ये अनइवन हो गया है तो मैं इसको ऐसे लूंगी, कर लिया और मेरा बीड इज ऑलमोस्ट रेडी, बट इस साइड से अच्छा नहीं आया है तो मैं इसको निकाल कर इस साइड से डालकर देन इसको फ्लैटन आउट करूंगी।
यहाँ पर इस तरीके से, ये आपको एक दो बारी में अगर आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें फिर से हम डिजाइन डालेंगे जैसा पहले वाले में बनाया था, और बहुत ज्यादा डीप इम्प्रेशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्टेप को तो आप स्किप कर सकते हैं। हम ये वाला स्टेप हम कलर से भी हम इसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये वाला स्टेप, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं इसको ड्राई होने के लिए 3-4 hours रख दूंगी अब मैं, ठीक है, दिस वे रख दिया। सो हमारा बेसिक सब कुछ रेडी हो गया है, बस अब हमको कलरिंग पर आना है, और कलरिंग हम तभी कर पाएंगे जब ये सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर अराउंड 3-4 hours। ओके, तो अभी ये ड्राई हो चुके हैं और मैंने इनको प्रॉपर 3-4 hours नहीं किया है, मैंने इनको अभी हीट गन से मैंने इनको ड्राई कर दिया है, तो अभी थोड़े से बस ऊपर ऊपर से ये ड्राई हुए, अंदर से नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे, वी नीड अ सैंड पेपर, और सैंड पेपर लेकर इसको हल्के हल्के हाथों से इसको स्क्रब कर देंगे। जब हम इनको ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी अब इसके ऊपर, और कलरिंग करने में इजी रहेगा, जो वो रफनेस है वो खत्म हो जाएगी। और ये मेरा है आई थिंक 100 नंबर सैंड पेपर से हम इसको स्मूदन आउट करेंगे, okay? इस तरीके से, क्योंकि है तो ये मिट्टी ही, तो अगर उसको अच्छे से करेंगे स्मूद कर देंगे तो रफनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से किया, ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। ये सैंड पेपर करने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप कलरिंग करेंगे तो उसमें आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत स्मूथली कलर इसके ऊपर ग्लाइड करेगा। अब हम यूज करेंगे इससे बहुत ही ब्राइट कलर, और लेकिन उससे पहले हम इसको व्हाइट कलर से, बिकॉज चॉक पेंट यूज हमने इसके अंदर चॉक पाउडर यूज किया था, तो चॉक पाउडर थोड़ा सा येलो टिंट देता है इसको। अभी आपको शायद लाइट में ये व्हाइट कलर का लग रहा होगा, बट ये है नहीं व्हाइट कलर, दिस इज लिटिल बिट ऑफ येलो कलर। तो जब हम इसके ऊपर ये वाले सारे कलर करेंगे, जब हमको ब्राइट कलर करने हैं इसके ऊपर, तो वो इतना अच्छा शेड आएगा नहीं। तो उससे पहले आपको याद होगा ये दिस इज माय व्हाइट जेसो, तो मैं व्हाइट जेसो लूंगी थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देंगे, सो दैट हमारे जो सारा जो कलर्स है वो हमारे बहुत अच्छे से बिल्कुल पॉपअप हो जाएंगे। सी अगेन, ये वाला जो स्टेप है ऑप्शनल है, अगर आपको ये नहीं करना है आप इस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हो, और डायरेक्टली आप इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ये वाला स्टेप बिकॉज क्योंकि ये मिट्टी है, तो जो मिट्टी है जो चॉक पाउडर है वो पोरस होता है, और इस वजह से आपका कलर जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा अगर हम ये वाला स्टेप नहीं करते हैं। और जैसो भी कैसे बनाना है घर पर आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि आप होममेड जैसो किस तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे DIYs बताए हैं, आप घर पर चॉक पेंट कैसे बना सकते हैं, आप घर पे जैसो कैसे बना सकते हैं, जस्ट चेक माई यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसको कवर कर दूंगी व्हाइट जेसो से।
और उसके बाद हम लोग लेंगे बहुत ही ब्राइट कलर्स, क्योंकि दिवाली है, दिवाली के टाइम पर तो अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड फॉर मी इट इज फॉर ब्राइट कलर्स एज वेल. अच्छा लगता है उस टाइम पर अच्छे अच्छे ब्राइट कलर के बंधनवार हो. और आपको एक और चीज बताऊं, आप इसको एज अ ज्वेलरी पीस भी यूज कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू यूज इट एज अ बंधनवार, आप इसको अभी मैं जब इसको असेंबल करेंगे तब आप इसको एक एज अ फंकी ज्वेलरी नेक पीस भी बना सकते हो. तो आप देखो आप एक ही चीज से कितनी सारी चीजें बना सकते हो. और अभी भी आप देख रहे हो जब मैं जैसे वो लगा रही हूँ तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, तो अगर मैं इधर करती तो मेरा इतना सारा एक्रेलिक कलर लग जाता. So, this is done. इसने दो काम करे हैं यहाँ पर. इसने एक तो इसको अच्छे से नॉन पोरस बना दिया है यहाँ पर, और आपको कलरिंग करने के लिए एक अच्छा सा बेस बन गया है. इट इज लाइक अ कैनवस फॉर यू नाउ. अब आप इसमें अच्छे से कोई भी कलर कर सकते हैं. और अभी तक मैंने आपको ऐसा कोई चीज नहीं बताया है जिसमें आपको बाहर से कुछ लेकर आना पड़े. इनफैक्ट मैंने आपको बीड्स भी घर पर ही बता दिए हैं कि आप बीड्स भी किस तरीके से घर पर ही बना सकते हैं, आपको मार्केट से लेने की जरूरत ही नहीं है. एवरीथिंग इज फ्रॉम जंक एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ब्यूटी. That is why jump to beauty. I hope you guys have subscribed to my channel. If not, please go there and subscribe. तो ये हो गया. अब भी beads को भी color कर लेते हैं. एक अच्छा beads थोड़ा ज्यादा time लेंगे dry होने में, क्योंकि ये ज्यादा मोटे थे, है ना. इसके अंदर ज्यादा क्ले लगा हुआ है एंड इट इज थिक. और इन बीड्स को मैंने एक कोट कर लिया. मैं आपको सिर्फ एक ही बर्ड पेंट करके बताऊंगी, दूसरी आप लोग खुद कर रहे. अभी इसको हम ड्राई होने देते हैं. हैंड भी क्लीन कर लेती हूँ. और Now let's bring out very beautiful colors. मैं इन पर करने लगी हूँ metallic colors. मेरे पास जो metallic colors हैं, आप यहाँ पर acrylic colors भी use कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया है yellow. Yellow से मैं इसका base बनाना चाहती हूँ. तो जो हमने इम्प्रेशंस हमने बनाए थे उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो मैं बॉडी है, बॉडी में बना रही हूँ येलो कलर की. और हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे, दोनों को हम अलग अलग कलर कर सकते हैं. तो ये इस तरीके से किया. अगर आपको मेटालिक कलर्स घर पर कैसे बनाने हैं वो देखना है तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. मैंने ये भी बताया है कि अगर आपके पास मेटालिक कलर्स नहीं है तब आप किस तरीके से बना सकते हैं. और ये वाला येलो मेटालिक कलर मैंने घर पर ही बनाया है, ये मेरा मार्केट का नहीं है. लेट्स डू वन थिंग, इसको पहले पूरा येलो कर देती हूँ so that मेरे को फिनिशिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी. यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से, ये मेटालिक कलर मैंने सिर्फ दो चीजों से बनाया है. आप देखिएगा और आपको मेटालिक कलर्स भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके,
ठीक है। अब इसके साथ अगर मेरा मन है कि थोड़ी सी मैं कुछ शेडिंग कर देती हूँ, तो दिस इज वेरी डिफरेंट कलर, मैंने यहाँ पे दो कलर्स मिक्स करे हुए हैं, तो इसके साथ मैं इसको शेडिंग दे रही हूँ येलो के साथ। आप कोई भी कलर यूज करिए, सब कुछ अच्छा लगने वाला है। अगर आपको शेडिंग नहीं भी करनी है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, आप प्लेन कलर भी कर सकते हैं, वो भी बहुत प्रिटी लगेगा। कर दिया मैंने, कहीं कहीं पे रेड, कहीं कहीं पे येलो, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये बन गया मेरा बेस, मतलब बॉडी ऑफ द बर्ड। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक सुंदर सा पर्पल, ब्राइट पर्पल कलर, जो कि हम ऑलवेज कीप अ रफ क्लॉथ विद यू, जिनसे कि आप अपने ब्रश साफ कर सकें। अब मैंने लिया पर्पल कलर और इस पर्पल कलर को यहां पर लगा दिया। आप देख रहे हो मैं बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ले रही हूं मैं, क्योंकि इतना सुंदर लगेगा जितना ये ब्राइट होगा, जितने आप इसके अंदर ब्राइट कलर्स यूज करेंगे ये उतना ही ज्यादा प्रिटी लगेगा। और कोई यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज एनी 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 कलर दिस वे। इसको मैंने पर्पल कर दिया, ठीक है। बाद में हम इसको और एनहांस कर सकते हैं, अभी मैंने इसको ऐसे किया है। नाउ लेट्स से अब नेक्स्ट जो ये फ्लावर्स हैं उसके अंदर हम क्या कलर करें, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे रेड है, तो रेड कलर लेते हैं। रेड कलर लिया और जो हमने इस तरीके से फ्लावर का हमने इंप्रेशन लिया था यहाँ पर, वो कर सकते हैं उसको हम इसको। ये अभी सारा का सारा एक बार बेस बन रहा है, जब ये बेस बन जाएगा इसको एनहांस हम किसी भी चीज से दोबारा कर सकते हैं, और वो हम करेंगे भी। मैंने आप लोगों को 3D कोन लाइनर्स भी बताए हैं आप किस तरीके से घर पर बना सकते हैं, तो आप वो भी लेकर उनसे आप इस पे 3D वर्क कर सकते हैं, कोन से आउटलाइन लेकर, ना। ये इस तरीके से हुआ और अब बचा है हमारा बीक और हमारी टेल। तो मैंने अभी इसके ऊपर यही कर दिया है येलो कलर ऐसे। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर यहाँ पर मैं करूंगी कोन वर्क। तो मैंने पहले तो बेस कलर ये ऑरेंज सा हो गया, क्योंकि मैंने रेड कलर वाले को वॉश नहीं किया था रेड ब्रश को, और मैंने उसी के अंदर येलो मिलाकर मैंने ऐसे कर दिया। सो अभी इतना ये रेडी हो गया है, अभी नेक्स्ट क्या करना है अभी। अच्छा, अभी हमारा ये रह गया है, इसको मैं करूंगी बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कलर से। इसको मैं कर सकती हूँ पिंक लेकर, पिंक एंड रेड का, पिंक एंड रेड की मर्जिंग कर सकते हैं शेडिंग। ठीक है, येलो बंद कर देते हैं। और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि एक्रेलिक कलर्स को बंद करना होता है साइड बाय साइड, अदरवाइज वो ड्राई हो जाते हैं। दिस वे हाफ कर दिया। अब
मैंने लिया रेड कलर और उसको मैंने दूसरी तरफ से करा। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है मर्जिंग ऑफ कलर, सिर्फ जब कलर्स गीले हो तो उनको आपस में मिला दीजिए। एवरीबडी कैन डू इट। जंक टू ब्यूटी का मोटो ही ये है कि सभी, एवरीबडी कैन डू क्राफ्ट। आपको क्राफ्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक विलिंगनेस की जरूरत है एंड यू कैन डू इट। तो ये हो गया, इस तरीके से ये यहाँ पे शेडिंग देगा ये रेड एंड पिंक की। वी आर डन। अब क्या करेंगे हम? अब मैंने लिया है व्हाइट एंड ब्लैक कलर, तो और साथ में मुझे चाहिए होगा बहुत ही पतला ब्रश, तो आई एम टेकिंग 0 नंबर ब्रश विद मी। और इसमें जो आई है उसके अंदर मैंने व्हाइट कलर डाला, व्हाइट कलर किया। और इसी व्हाइट से जब तक अगर मैं 3D वर्क नहीं करना चाहती हूं तो मैं इनकी आउटलाइन बना दूंगी। वैसे मैं 3D कोन से भी काम कर सकती थी, लेकिन अभी मैं उस तरीके से बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, इसी में आपको काम खत्म करना है, तब क्या कर सकते हैं आप। उससे भी ये बहुत प्रिटी लग रहा है क्योंकि ये मेरा ग्लिटर वाला सिल्वर है, तब ये इतना इतना उठकर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक वी नीड व्हाइट कलर हियर, वो छोड़ देते हैं अभी हम इससे। और अब लिया हमने ब्लैक ग्लिटर। एक्चुअली जो ये मेटालिक कलर्स होते हैं इनमें इतना ज्यादा ओपेकनेस नहीं होती है। अब लिया मैंने ब्लैक कलर, उससे आई बना दी और सेंटर में एक डॉट डाल दिया। माय बर्ड्स आई इज रेडी। और यहां पर मैं इसको, क्योंकि ये बीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ ऐसे मैंने इस पे लाइंस बना दी। और क्योंकि यहाँ पर मैंने फेदर बनाए थे तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी व्हाइट कलर क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन है कि मैं इसको थोड़ा सा और एनहांस करूं। तो मैं अपना, चाहे मैं व्हाइट जैसो ही ले लूं, मैं व्हाइट जैसो लिया क्योंकि वहां पर जहां पर मैं कर रही हूँ सिल्वर कलर वो इतना विजिबल नहीं आ रहा है, तो मैं उसी को मैं रिट्रेस कर दूंगी यूजिंग माय ओपेक जैसो। अब आप देख रहे हो अब ये ज्यादा विजिबल हो रहा है जो मैं व्हाइट जहां जहां पर कर रही हूँ इस तरीके से। और ये क्योंकि जैसो है तो ये थिक है, तो इस थिक से थोड़ा सा अपने आप में 3D लुक भी देगा। दिस वे एंड इट इज डन। यहां पर मैं सोच रही हूँ कि डॉट वाले फ्लावर्स बना देते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है, आप इसको कितना सुंदर बनाना चाहते हैं इस तरीके से। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इसको कितने तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं।
ऑलमोस्ट डन, बहुत प्रिटी लग रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, इसको भी कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज डन। अब क्या करना है हमको, थोड़ा सा ये जो इस पर भी थोड़ी सी लाइंस डाल देते हैं। दिस वे, और इसको हम कहाँ लगाएं, यहाँ भी लगा सकते हैं और वी कैन अवॉइड इट ऑल टुगेदर। ठीक है, अभी जब तक मैं आपको मिलती हूँ, दूसरी बर्ड को भी मुझे कलर करना है। अब हम लोगों का, मैंने आपको इस तरीके से दोनों तरीके के दिखा रही हूँ, एक पर मैंने ब्लैक से किया है और एक पर मैंने व्हाइट से किया है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप इसको आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कोई भी एक वायर चाहिए, कोई भी हमने वायर ली। माय हैंड्स आर रियली डर्टी, लेट मी जस्ट टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, कोई भी वायर ली, देखिए ये मैं आपको थोड़ा और ज्यादा उसमें बता रही हूँ। अगर आपके पास वायर नहीं है, अगर आपके पास टूल्स नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको थ्रेड के साथ इनको आपस में ज्वाइन करना है, इस तरीके से आप इनको इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है, और ये इस तरीके से आपका एक बंधनवार बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये सब है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम एक वायर लेंगे, छोटी सी वायर लेंगे और उसे कट कर लिया। ठीक है, फिर हम इसको इसके अंदर डाला और इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। इस तरीके से इसको मोड़ लिया जिसमें, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं काट दूंगी। ठीक है, ऐसे। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने बीड्स बनाए हैं वो लगा दिए मैंने ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे इस तरीके से बन गए। सिमिलरली मैं इसको भी वैसे ही करूंगी, इसके अंदर भी मैं, या मैं एक और काम कर सकती हूँ, पहले यूं लिया और छोटी सी वायर ली है मैंने इसके अंदर, मूली, और इसको मैंने इस तरीके से मैं मोड़ लूंगी। अभी हमको पीछे भी, अगर आपको इनको फिनिशिंग देनी है, तो हम पीछे से भी इनको फिनिशिंग दे सकते हैं बाद में। और अब मैं इसको यहां से मैं इसको कट कर दूंगी, और इसको मैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ पर मोड़ दूंगी। ये भी वायर आपको बहुत इजीली कहीं से भी मिल जाएगी। और अब जो ये वाली मेरी वायर है, इसके साथ में इसको लगाया मैंने इस तरीके से, सॉरी नॉट लाइक दिस, इधर नहीं आएगी, ये इधर आएगी। ये तो मेरा बन जाएगा, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ यहाँ पर, यूं इसको इधर से, और ट्विस्ट कर देती हूँ इसको, तो क्या होगा, ये मेरे को यहाँ पर हैंग करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं कहीं पर भी अब हैंग कर सकती हूँ। और इसके लिए मेरे को थोड़ी सी वायर और चाहिए,
इसके अंदर भी इसको इसके अंदर डाला, ट्विस्ट किया। मैं बिल्कुल आपके सामने सामने कर रही हूँ सो दैट आपको भी लगे कि इतना टाइम लगता है, इसको टाइम दीजिएगा। हाँ, यूं किया, इसके अंदर ये डाला, एक ही डाल रही हूँ मैं, और इसको यूं ले आई मैं बाहर, और अब इसको मैं इसके साथ यहाँ पर मैंने ट्विस्ट कर दिया। क्योंकि मेरी क्ले अभी ड्राई नहीं हुई थी इसलिए मेरी कट गई है, और इस तरीके से आपकी सुंदर सी बंधन बार रेडी है। अब आप इसको जितना चाहे आप इसको बढ़ा सकते हैं, आपका जितना मन है। अगर आपके उसके अंदर 2, 3, 4 जितनी बर्ड्स आपको लगानी है आप इसके अंदर लगा सकते हैं, और वंस इट इज ऑल डन आप इसको वार्निश कर दीजिए और आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास घुंघरू है तो आप यहाँ पर नीचे आप घुंघरू भी लगा सकते हैं, तो ये जितनी बार फिर हवा में होएगा तो उतनी बार इसमें हवा की आवाज आएगी। सो आई होप यू लाइक इट, डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड इट। टिल देन, बाय बाय।